गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग 10th क्लास की गोधूली भाग दो में रचित रचना भारत से हमने क्या सीखा के लेखक मैक्स मूलर के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न 10th क्लास की परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, साथ में शिक्षक बहाली जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। आइए हम लोग आज मैक्स मूलर के बारे में अध्ययन करते हैं। मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। एक डेस्माउ जगह है जहां 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। मैक्स मूलर की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। वे गीत संगीत में उनकी रुचि थी। उच्च शिक्षा के लिए वे जर्मनी के लिप्जिंग शहर में गए और वहाँ उन्होंने संस्कृत विषय का अध्ययन किया। संस्कृत अध्ययन के पश्चात उन्होंने कठोपनिषद का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद उन्होंने कट और केन दो उपनिषद, कट और केन दो उपनिषद है जो जिसका अनुवाद उन्होंने जर्मनी भाषा में किया। इसके पश्चात उन्होंने मेघदूत नाटक जो कालिदास द्वारा रचित है उसका भी अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। उनकी भूख संस्कृत के प्रति इतना था कि उनको लगा कि क्यों नहीं हम भारत जाकर भारत को नज़दीक से देखें और वहाँ की और भी चीज़ों को उन्हें देखने का अवसर मिला और वे भारत आ गए। भारत आने के बाद उन्होंने कई शहरों का गांवों का अध्ययन किया, साथ में यहाँ कई ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन के पश्चात उनकी एक समग्र दृष्टि बनी और इस आधार पर उन्होंने कहा कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि यदि पुरातत्व प्रेमी को अगर खोज करनी है तो कनिंघम के रिपोर्ट पढ़ने के लिए उनको भारत ही आना पड़ेगा। यदि किसी नृवंश शास्त्रीय विषय का अध्ययन करना हो तो भारत जैसा संग्रहालय दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यदि किसी को भाषा विज्ञान का अध्ययन करना है तो उसको भारत भारत आने के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि भारत में विशाल भाषाओं का यहाँ जन्म विशाल भाषाओं का जन्म है और यहाँ कई ऐसी भाषा बोली जाती है और उसमें भी संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है और कई भाषाओं को जानने का एक माध्यम है। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि संस्कृत विश्व की जननी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में अगर अनुसंधान अगर करना है तो इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकता। यहाँ का पर्व त्यौहार दुनिया के त्योहारों से कहीं अलग है और काफ़ी अच्छा भी है। उन्होंने कहा कि यहाँ का ओढ़ावा पहनावा खान पान रहन सहन कल्चर दुनिया के किसी भी कल्चर से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट है। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि क्यों भारतीय जो नीति परक जो कथाएं थी वो पश्चिमी देशों तक पहुंची है और पश्चिम के ज्ञान को काफ़ी बल मिला, तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय नीति कथाओं का भी बड़ा योगदान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जो है यूरोपीय और भारत के बीच व्यापार का जो उल्लेख मिलता है वो बाइबिल और शाहनामा में, इसका मतलब है कि भारतीय लोग व्यापार में काफ़ी दक्ष थे। इसके बाद यदि उन्होंने कहा कि राजनीति का उदय यदि देखना हो तो यहाँ के प्राचीन पंचायती राज व्यवस्था में हमें दिखाई देता है, जो दुनिया में सबसे पहले राजनीति का बीज भारत में ही पड़ा और उसके लिए भी अगर राजनीति का कोई चीज़ अगर उन्हें समझना है जानना है तो इसके लिए भारतीय प्राचीन पंचायती राज का जो खाका है ढांचा है उसका अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत जो है दुनिया के कई ऐसे धर्मों का जन्मस्थली है जिसमें बौद्ध जैन और ब्राह्मण धर्म यानी सनातन धर्म की जन्मस्थली रही है और यहाँ पारसी धर्म का शरण स्थली भी कही जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी दुनिया के ऐसे एक देश हैं
ये दोनों पहले भाई थे और गाय चराते एक भाई जर्मनी की तरफ पहुंच गया और दूसरा भाई गाय चराते चराते भारत पहुंचा। क्योंकि दोनों भाई इसलिए हैं क्योंकि आज भी भारत में चूहा को मूस कहा जाता है और जर्मनी में भी आज चूहा को मूसी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों भाई थे, इसलिए भी इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में यदि शक्तिशाली कोई उत्साही बल अगर कोई है, अगर जिसके अंदर जुनून हो, साहस हो, तो दुनिया के दो ही देश है, वो जर्मनी और एक है भारत। जर्मनी और भारत के अलावा दुनिया के जितने भी देश हैं उतनी क्षमता, उतना उत्साह, उतना बलशाली, उतना साहसी प्रवृत्ति के लोग दुनिया में और कहीं नहीं मिलते हैं। और इस आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि भारत और जर्मनी एक है। उनसे एक बार पत्रकार महोदय ने पूछा कि यदि आपको दोबारा जन्म लेना हो तो आप कहाँ जन्म लेंगे, तो उनका उत्तर था कि भारत। उन्होंने ऐसे समय में आकर भारत के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और यही नहीं, बातें ही नहीं की बल्कि भारतीयों को पुनर्जागरण के दौरान उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया कि आपको किसी भी देश के धर्म, जाति, संस्कृति की ओर देखने की जरूरत नहीं है। अगर वो सब कुछ आपके पास है, इस आधार पर विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांति कहा। और इस आधार पर उन्होंने वेदांतियों का वेदांति इसलिए कहा क्योंकि वेद की ओर, जैसे विवेकानंद ने कहा था कि वेद की ओर लौटो, तो इनको वेदांतियों का वेदांत क्योंकि इन्होंने वेद की भी बड़ी अच्छी व्याख्या की और लोगों को बताया कि भारतीय लोग कितने उच्च आदर्श वाले थे और उनकी सोच, उनका दर्शन, उनका उनका ज्ञान, उनका विज्ञान, उनका संस्कृति, उनका कल्चर कितना आगे था, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैक्स मुलर ने कहा कि भारतीय जो किताब है, भारतीय का एक अलमारी का किताब दुनिया के पूरे किताबों के बराबर है, जहाँ वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, दुनिया के ऐसे कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो किसी और देशों में हमें देखने को नहीं मिलता। इस आधार पर भी उन्होंने सिद्ध किया कि भारत ज्ञान विज्ञान में काफी आगे थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि भारत और जर्मनी दो देश ऐसे हैं कि आज भी उनके बीच एक जो संबंध होना चाहिए वो संबंध वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई का जो संबंध होता है वो भाई जैसा अभी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने इस आधार पर उनके ज्ञान विज्ञान ख्याति को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने अपने दरबार में इसी संबंध में व्याख्यान देने के लिए बुलाया और उससे खुश होकर महारानी विक्टोरिया ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। उनके इस विचार को भवानी शंकर द्विवेदी ने उनके भाषण को अनुवादित किया है। क्योंकि अंग्रेज अफसर जब भारत में आईसीएस अधिकारी बनकर आते थे तो उन अधिकारियों को उन्होंने भाषण व्याख्यान के माध्यम से भारतीयों को ये सारी बातें बताई कि भारतीय ये है, भारतीय वो है, भारतीय की संस्कृति कैसी है, उसी के भाषण अंश आज कितना महत्वपूर्ण है जिसको भवानी शंकर द्विवेदी ने अनुवाद किया, जिससे हम मैक्स मुलर के बारे में बहुत सारे विचारों को जान सके। धन्यवाद।